टर्फ विकेट को लेके या सीमेंटेड विकेट को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि उनको कैसे बनाना है और कैसे प्रोसेस होती है। आज हम पूरी बिगनिंग शुरुआत से बात करेंगे कि टर्फ विकेट या सीमेंटेड विकेट कैसे बनता है। प्रोसेस दोनों की एक होती है, बस सीमेंटेड विकेट में फ़र्क इतना होता है कि उसमें सीमेंट डाली जाती है और टर्फ विकेट में सॉइल डाली जाती है या मिट्टी का प्रयोग होता है। तो अभी हम लोग खुदाई कर रहे हैं, ये इसमें बोल्डर या रोले डालेंगे, उसकी कुटाई होने के बाद फिर जाके सीमेंटेड की प्रोसेस डालेंगे। इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस की बात करेंगे ए टू जेड, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल सके और आपको इजीली टर्फ विकेट बनाने में या सीमेंटेड विकेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिलहाल तो हम सीमेंटेड विकेट पर काम कर रहे हैं, तो सीमेंटेड विकेट के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम पूरी प्रोसेस बताएंगे जो आपको आंखों के सामने होती हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप बाउंड्री वॉल बनवा लेते हैं विकेट पे, तो आपके आने वाली सारी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने वीडियो को अभी अधूरा छोड़ा तो आपका विकेट खराब हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को इत्मीनान से देख लीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने वीडियो को थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपको ये पूरी प्रोसेस कम से कम में देखने में मिल जाए। तो बाउंड्री वॉल बनवाने के बाद अब आती है मटेरियल की बारी। अगर आप मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से सारे मटेरियल को इकट्ठा करेंगे तो आपका विकेट अच्छा बनेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस मटेरियल में जो रेशो निकाला गया है वो 50-50 का रेशो है, जिसमें से 3 बोरी सीमेंट लगी है। तो 50 तसले जो फावड़ा दिख रहा है, तो 50 तसले बालू है, 50 तसले ये कंक्रीट का के लिए जो गिट्टी आती है उसका इस्तेमाल किया गया है और 3 बोरी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो के अंत में मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूंगा कि कॉस्टिंग कितनी लगी, कितने में कैसे क्या कंप्लीट होता है विकेट। तो जब भी आप ये मटेरियल कंक्रीट का मिक्सचर बनवाए तो इस मिक्सचर में आपको ध्यान रखना है कि अच्छा रेशो रखना है और मजबूत रेशो रखना है ताकि आपका विकेट स्ट्रांग चले, क्योंकि इसको लंबे समय तक चलाना है। और जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका विकेट भी अच्छा बनेगा। और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करा लें ताकि ऐसा ना हो कि अगर सीमेंट की कमी रह गई या सीमेंट बहुत नीचे रह गया, ऊपर वाला पार्ट छूट गया, तो दिक्कत ये आएगी कि ब्रेक होने लगेगा आपका विकेट और आपको परेशानी होगी। तो इसलिए अच्छे से मिक्स करा लें, अपने सामने आंखों के सामने ही ये सब प्रोसेस कराएं, क्योंकि इसके आने वाली जितनी भी प्रोसेस है वो सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी तो बाद में आप परेशान होते रहेंगे। तो ये मिक्सर आपने करा लिया, मिक्सर कराने के बाद आपको एक लेवल से स्टार्ट करवाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अच्छे से हमने मिक्स करा ली है और जैसे ही ये मिक्सर रेडी होता है तो हम एक साइड से विकेट में इस मिक्सर को डलवाना चालू करेंगे। और मिस्त्री उसको, जो राज मिस्त्री है, उस चीज को ध्यान रख रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने एक तरफ से ये लेवलिंग जो कंक्रीट का मिक्सर है उसको डालना हमने शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे ये मिक्सर बढ़ता चला जाएगा तो वैसे ही अपना राजमिस्त्री है जो उसको पूरा मॉनिटरिंग करेगा, आप भी मॉनिटर करते रहें इसको पूरा कंप्लीट कराने में। तो ये जो आपने बाउंड्री वॉल बनवाई है उसके लेवल तक आपको ले जाना है, इसके ऊपर नहीं ले जाना। और जैसे ये फिनिशिंग हो जाएगी तो बनने के बाद उसको अच्छी तरह से राजमिस्त्री आपका फिनिश करेगा पूरी तरीके से। और जहाँ जहाँ भी पैचेस बने हैं या उड्डे बने हुए हैं उस सब चीज़ को भी कंप्लीट करा लेना, पूरा अच्छे से कंप्लीट करा लेना है। जो पहले दिन का जो काम होगा वो यहाँ तक होगा और दूसरे दिन का काम जो होगा वो मिक्सर डालने का है। जैसे ही आप दूसरे दिन काम कराएंगे तो एक सीमेंट और बालू का मिक्सर है जो आपने विकेट बनाई है उस विकेट के ऊपर ये डालेगा। और जैसे ही इसने विकेट के ऊपर ये सब चीज़ें डाली तो फिर वो लेवलिंग होती जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अनइवन नहीं होना चाहिए, यानी कि बाल के बराबर भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इसमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो सीमेंट का जब इसमें घोल डाला जाता है तो उसका भी आपको ख्याल रखना है कि जब घोल डालते हैं तो जब वो अपने औजार से जो करनी होती है या जो जिससे वो लेवलिंग करते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो चलाते हैं तो चलाने के बाद एक पतली सी लाइन बन जाती है। तो ऐसी लाइन ना बन पाए उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। आपको बार बार राजमिस्त्री को ये चीज़ बतानी है। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को तत्काल में ठीक करा लेना है। तो आपको पूरी मॉनिटरिंग करते रहना, ऐसे करते करते जब तक चीज़ फिनिश ना हो जाए तब तक ध्यान रखना है। और विकेट बनने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपको ये ध्यान रखना है कि विकेट को प्रॉपर मेंटेन किया जाए और कम से कम 12 घंटे के लिए आपको छोड़ना है। ना ही उसके ऊपर आपको किसी प्रकार की चहल पहल करनी है और ना ही उसको विकेट को यूज करना है। तो जैसे ही आपका 12 घंटे बीत जाएगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि
अब आपका विकेट लगभग रेडी हो गया है, लेकिन ये अभी प्रैक्टिस के लिए रेडी नहीं हुआ। तो वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी और इम्पोर्टेंट चीज तो रही गई जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है, जब विकेट आपका रेडी हो गया तो विकेट, फाइनल विकेट कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपकी आपको वीडियो में दिख रहा है। जैसे ये चीजें कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक बेलदार को पकड़ लीजिए, आपकी विकेट के अनुसार है एक लगता है या दो लगता है जितनी विकेट आप बनवा रहे हैं, दो वर्कर को साथ में लेके आप किनारे किनारे उसमें क्यारी बना लीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इन क्यारियों से आप विकेट बनवा सकते हैं। इन क्यारियों से आप जब चारों तरफ क्यारी बनवाएंगे तो इसमें क्यारी बनवाने को अच्छे से वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद को 7-8 दिन के लिए छोड़ दें, बस प्रॉपर आप देखते रहें कि इसमें वाटर कम तो नहीं हुआ, अगर कम हुआ है तो उसको भर दें। इस तरह 5-6 दिन आपको करना है। अगर आप इस प्रकार से वाटरिंग कर देंगे तो ये विकेट लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि जैसे ही विकेट फिनिश हो जाए तो आपको जो मिट्टी अपने ऊपर रखी है उसी को आप साइड में लगवा दें ताकि विकेट वो दब जाए। जैसे ही बैट्समैन या बॉलर जो भी नेट में जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आए, उसको अनइवन नहीं लगे या उसको दिक्कत ना हो, तो आप 7-8 दिन के बाद या जैसे ही आपने अच्छे से कर दी तो आप 15 दिन बाद यूज़ करें। अमूमन जितना प्रिकॉशन आप लोगे तो कम से कम 12-13 दिन तो वाटरिंग करते रहें या 14 दिन कर लें, इसके बाद 15-16 दिन के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे यूज़ तो आप 10 दिन बाद ही कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर आप जितने देर बाद स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपका विकेट चलेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। अगर एक विकेट आप बनवाते हैं, सिंपल सा एक विकेट बनवाते हैं, तो लगभग 80 या 90 फीट के आसपास आप लगेगा, और जो बालू लगेगा वो लगभग 100 फीट के आसपास का बालू लग जाएगा, 20 बोरी सीमेंट लग जाएगा पूरा फिनिश टॉप टू बॉटम पहले दिन से लास्ट दिन तक, और जिसकी लगभग बोल्डर लगभग 100 फीट के आसपास बोल्डर लग जाएगा, और जो इसकी कॉस्ट आती है जो करंट में इस समय बने कराया है तो लगभग 15,000 रुपए के समथिंग इतना ये रेट पड़ता है, और 20 बोरी आपकी सीमेंट लगेगी, और सीमेंट के साथ साथ आप ईटा भी मंगवाएंगे तो उसका भी कॉस्ट पड़ता है 12,000 रुपए के आसपास। तो अगर एक मोटा मोटा माने तो 27,000 रुपए आपका ये हो गया, फिर लेबर कॉस्ट, ये आपका टोटल पड़ जाएगा एक विकेट बनवाने के लिए आपका जो एस्टीमेट पड़ जाएगा 30,000-40,000 के समथिंग आपका ये कॉस्ट खाली विकेट बनवाने का आएगा। और ये कॉस्ट कम भी हो सकता है, ये कॉस्ट कम इसलिए हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा विकेट बनवाएंगे तो ये कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, बस लेबर कॉस्ट आपकी बच जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद आप अगर चाहें तो विकेट है, मैंने 40 फीट का विकेट बनाया ताकि बैट्समैन को अच्छा रहे और बॉलर को भी अच्छा रहे, क्योंकि बिगनर्स लोग ही नेट पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनको बॉलिंग करने में कोई ऐसी दिक्कत ना हो इस वजह से, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको भी ऐसे विकेट बनवाना है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी मदद करूंगा। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने ही लोगों के पास ये वीडियो भेजें ताकि उनको ये अच्छी सी विकेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी ना आए और इजीली विकेट बना सके और वो गुमराह ना हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।